दोस्तों, एक न्यूज आती है कि फ्रैंकलिन अपने 6 डेट फंड्स को पूरे तरीके से बंद कर रहा है, उसके ऑपरेशंस को पूरे तरीके से बंद कर रहा है, जिसके चलते ना तो आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे, और अगर आपने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अपना पैसा विड्रॉ भी नहीं कर पाते। ये पूरा इशू क्या है, क्यों एक ऐसे म्यूचुअल फंड को जिसमें अभी तक इन्वेस्ट करना बहुत से इन्वेस्टर्स प्रेफर करते थे और वो अच्छी रिटर्न भी देता रहा था कुछ टाइम पहले तक, उसको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े, इसके पीछे क्या रीजन है? चलिए, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन के इशू के बारे में कि जिसकी वजह से फ्रैंकलिन को अपने 6 म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशन पूरे तरीके से बंद करने पड़े। इसके अलावा वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना अभी भी सेफ है, और अगर आपको डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो किन किन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। तो अगर मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फ्रैंकलिन एएमसी के बारे में बताऊं, तो दोस्तों फ्रैंकलिन जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी बहुत ज्यादा फेमस थी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर मैं डेट फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो डेट फंड आपको पता ही होगा कि बहुत तरीके के होते हैं, लिक्विड फंड होते हैं, इसके अलावा एक ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो AAA rated bonds में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं कि डेट फंड क्या होते हैं। तो डेट फंड एक ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो डेट से रिलेटेड होते हैं। अब ये डेट कहां पे काम आता है? अब मान लो बहुत सी कंपनीज होती है जिनको अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसा उठाना पड़ता है, डेट उठाना पड़ता है, और वो डेट उठाने के लिए अपने बॉन्ड्स को इशू करती हैं, और वो बॉन्ड कौन खरीदता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी जाके खरीदती है, और उस पर जो यील्ड मिलती है, जो रिटर्न मिलती है, वो रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जाके देती है। अब यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं डेट के, ये बहुत तरीके के होते हैं, इनके ऊपर रेटिंग होती है, बहुत से AAA rated होते हैं, बहुत से AA rated होते हैं, उसके बाद A rated होते हैं, उसके बाद AA negative rated होते हैं, बहुत सी ऐसी रेटिंग होती है, बहुत इसकी अलग अलग हायरार्कीज होती हैं, जिसके बेस में पता चलता है कि जो AAA rated होते हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। अगर मैं AAA rated bonds की बात करूं तो वो सबसे सेफ होते हैं, लेकिन आपको थोड़ी कम रिटर्न देते हैं। वहीं पर जो AA assets होते हैं डेट कैटेगरी में, वो थोड़े से अनसेफ होते हैं एज कम्पेयर टू AAA, लेकिन वो रिटर्न आपको थोड़ी सी ज्यादा देते हैं। तो अगर मैं फ्रैंकलिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं, इन म्यूचुअल फंड्स की बात करूं जो भी बंद हुए हैं हाल के दिनों में, तो ये स्पेशलाइज थे ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो टॉप ग्रेड से थोड़े से नीचे होते थे, मतलब कि उनकी रेटिंग AAA नहीं होती थी, AAA से थोड़ी सी नीचे होती थी, और वो आपको थोड़ी सी बेटर रिटर्न देते थे एज कम्पेयर टू लिक्विड फंड, एज कम्पेयर टू अदर डेट फंड्स जो AAA rated bonds में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो फ्रैंकलिन स्पेशलाइज था ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिनकी रेटिंग बिल्कुल टॉप पे नहीं होती थी, थोड़ी सी उनके नीचे होती थी। अब यहाँ पे इशू कैसे स्टार्ट होता है? तो दोस्तों, ये इशू स्टार्ट होता है कि जब ये कंपनीज ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो टॉप ग्रेड के नहीं होते, थोड़ा सा नीचे होते हैं, और जो सामने वाली पार्टीज जो डेट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से मना कर देती हैं, वो डिफॉल्ट कर देती हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यही कुछ हुआ फ्रैंकलिन के साथ। जो फ्रैंकलिन का प्रॉब्लम था वो लास्ट क्वार्टर में स्टार्ट होना शुरू हुआ, दिसंबर के क्वार्टर में स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, जो फ्रैंकलिन का इशू था वो स्टार्ट होता है IL/FS से, जब सबसे पहली बार वो कंपनी ने डिफॉल्ट किया, उसके बाद इन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वजह से इनको हिट हुआ। लेकिन उसके बाद इनको हिट होना स्टार्ट हुआ जब बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने डिफॉल्ट करना स्टार्ट हुआ। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो उसके बाद आता है रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि अनिल अंबानी की कंपनीज थी, उनके बीच में भी इनका एक्सपोजर था ताकि ये अच्छी रिटर्न दे सके इन्वेस्टर्स को। उसके बाद एक और नाम निकल के आता है SL Group, SL ग्रुप्स के बॉन्ड में भी इनका इन्वेस्टमेंट था। लेकिन सबसे बड़ा हिट जो फ्रैंकलिन ने लिया वो एक ऐसे म्यूचुअल फंड में लिया जिन्होंने वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और जब वोडाफोन आइडिया की हालत थोड़ी सी खराब हुई, जब उन्होंने बोला कि वो अपने ड्यूज पे नहीं कर पाएंगे, और इनको भी पता चला कि जो इन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसे इनके वापस नहीं आएंगे, तो इन्होंने उसको पूरे तरीके से राइट ऑफ कर दिया। और राइट ऑफ करने के बाद हिट कहाँ पे हुआ? हिट हुआ इन्वेस्टर्स के NAV पे, हिट हुआ मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स पे जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा जो पिछले एक साल से ऊपर गया था वो वापस से सेम लेवल पे आ गया, मतलब कि उनको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, और जिन्होंने कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया था उनको एक्चुअल में लॉस हो गया। जिसके बाद एक दौर शुरू होता है रिडेम्पशन का। तो जब लोगों में ऐसा थोड़ा सा डर हो जाता है, लोगों में जब पैनिक हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, जब आपको पता चलेगा कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा नीचे जाना स्टार्ट हो गया, तो शायद आप सोचेंगे कि मैं अपना पैसा वहां से निकाल के बैंक में रख लूं, क्योंकि वहां पे मुझे सेफ्टी मिलेगी, अगर मेरा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं लेकिन नीचे तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही इन्वेस्टर्स के साथ में हुआ। तो इन्वेस्टर्स ने एकदम से अपना पैसा निकलवाना स्टार्ट कर दिया फ्रैंकलिन के म्यूचुअल फंड से।
तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि फ्रैंकलिन के म्यूचुअल फंड ने बहुत से अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो हायर ग्रेड के होते हैं, तो फ्रैंकलिन ने बहुत से ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था जो हायर ग्रेड के थे, मीडियम ग्रेड के थे और लोअर ग्रेड के थे। और जब रिडेम्पशन की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी, जब बहुत से लोग जाके अपना पैसा मांगने लगे कि मुझे अपना पैसा बाहर निकलवाना है, तो फ्रैंकलिन को क्या करना पड़ा, उनको अपने अच्छे ग्रेड के बॉन्ड्स को बेचना पड़ा, और अच्छे ग्रेड्स के बॉन्ड को बेचना पड़ा थोड़ा सा डिस्काउंट पे। और जब डिस्काउंट पे बेचना पड़ता है तो इनको लॉस बुक करना पड़ता है। तो दोस्तों मार्च के महीने में 10,000 करोड़ का फ्रैंकलिन ने रिडेम्पशन किया अपने 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में, जो कि एक बहुत बड़ा हिट था फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के लिए। जब फ्रैंकलिन के पास रिडेम्पशन की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी और इनको लगा कि उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट से लोन लेना स्टार्ट किया। तो उसमें क्या होता है कि एक कंपनी अपने बॉन्ड्स को गिरवी रख के वहां से पैसा लेके इन्वेस्टर्स को देती है ताकि इनके ऑपरेशंस बंद ना हो। लेकिन उसके बाद भी रिडेम्पशन की और रिक्वेस्ट आती रही, तो लोग बोलते रहे कि हमें पैसा निकालना है, लेकिन एएमसी के पास उतना पैसा नहीं था देने के लिए। तो क्योंकि उनके पास जो बॉन्ड्स थे अच्छी कैटेगरी थे वो तो अपने बेच चुके थे, लेकिन अब जो बॉन्ड बचते थे वो बचते थे लोअर ग्रेड के। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस आने के बाद इकोनॉमी कंडीशन बहुत ज्यादा हिट हुई थी और बहुत से ऐसे लोग थे जिनके ऊपर बहुत नेगेटिव तरीके से असर पड़ा था, बहुत से ऐसी कंट्रीज थी जिनके ऊपर नेगेटिव तरीके से असर पड़ा था, तो लोगों ने अपना पैसा निकलवाना शुरू किया। तो डेट मार्केट जो पहले से स्ट्रेस थी, वहां पे जो ऐसे बॉन्ड्स थे जो बहुत ज्यादा लोअर क्वालिटी के थे या मीडियम क्वालिटी के थे, जो टॉप ग्रेड के नहीं थे, उनमें लिक्विडिटी पूरे तरीके से खत्म हो गई। तो ये अपने लोअर ग्रेड और मीडियम ग्रेड के बॉन्ड्स को बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं थी, और अगर ये बेच भी पा रहे थे तो इनको बहुत ज्यादा डिस्काउंट में बेचने पड़ते थे, जिसकी वजह से इनका एनएवी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता और इन्वेस्टर्स को इससे बड़ा भी लॉस होने के चांसेस बन सकते थे। जिसके चलते फ्रैंकलिन ने एक डिसीजन लिया कि ये अपनी 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऑपरेशंस को पूरे तरीके से बंद कर रहे हैं। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होता है? तो दोस्तों जब कोई भी म्यूचुअल फंड अपने ऑपरेशंस को, किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस को बंद करता है, तो ना तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अपना पैसा वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन जो सबसे बड़ा निकल के आता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे साथ क्या होगा? तो दोस्तों आपका पैसा अभी भी एएमसी के पास पड़ा है, तो अगर उनके पास जो लोअर ग्रेड और मीडियम ग्रेड के बॉन्ड्स है जहां पे लिक्विडिटी नहीं है, तो अब नए लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और पुराने लोगों का पैसा जो पहले से इन्वेस्टेड है, जब वहां पे लिक्विडिटी आएगी, जब ये उसको लिक्विडेट कर पाएंगे, तो उनका पैसा वापस लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन लोगों को कितना पैसा दिया जाएगा, क्या आपका पूरा पैसा वापस आएगा या आपको नुकसान होगा, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का एनएवी चेंज होता रहेगा। दोस्तों एनएवी चेंज होगा, बट ना तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ना आप अपना पैसा वहां से निकाल पाओगे। तो ऑपरेशंस बंद हुए हैं, आपका पैसा वहां पे इन्वेस्टेड है, तो आने वाले दिनों में अगर बॉन्ड से पैसा वापस आता है तो आपको पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन उसकी क्या श्योरिटी है उसके बारे में ना तो मैं आपको बता सकता हूं, ना ही शायद फ्रैंकलिन ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को बताया है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि लोग जानना चाहते हैं कि कितनी जल्दी उनका कौन सी म्यूचुअल फंड में से पैसा निकलने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मैकॉले ड्यूरेशन का, जो हमें बताता है कि तो ड्यूरेशन क्या होती है बॉन्ड्स के केस में। तो ड्यूरेशन आपको बताती है कि अगर आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो कब तक आपका पैसा पूरे का पूरा वापस निकल जाएगा। तो ये डेट एग्जैक्ट नहीं हो सकती, लेकिन मैकॉले ड्यूरेशन आपको बता सकता है कि अगर वो ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा टाइम लग सकता है, अगर वो कम है तो मतलब कि जो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया था बॉन्ड्स में उनकी ड्यूरेशन कम थी। तो नॉर्मली माना जाता है कि जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है वहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जहां पे कम होती है वहां पे रिस्क उतना कम होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रैंकलिन के वो म्यूचुअल फंड्स की ड्यूरेशन जो उन्होंने अपने ऑपरेशन अभी रिसेंट में बंद कर दिए हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये फ्रैंकलिन के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की स्कीम की जो अभी बंद किए गए हैं, उनका एयूएम है, उनकी इंसेप्शन डेट है, उनका भी करंट एनएवी है, और उनकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन से हमें पता चल सकता है कि उन्होंने जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था उनका जो इन्वेस्टिंग पीरियड था वो कितने होराइजन के लिए था। तो जितना लंबा होता है तो उतना ज्यादा टाइम लग सकता है वहां से रिकवरी आने का। लेकिन दोस्तों ये भी एग्जैक्ट टाइम नहीं हो सकता कि रिकवरी इतने टाइम में आ जाएगी, वो कब आएगी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो इन्वेस्टर्स अभी करंटली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे एक इन्वेस्टर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डेट फंड अभी भी सेफ है। तो दोस्तों डेट फंड रिसेंट के टाइम्स में थोड़े से रिस्की बन गए हैं, क्योंकि जिन डेट फंड्स ने आपने इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया था जो रिस्की थे, और उन्होंने अपनी फैक्ट शीट में आपको दिखाया भी था। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी गलती कई बार हम करते हैं, हम इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि हम उनके फैक्ट शीट्स को अच्छे से चेक नहीं करते, हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते कि उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। हम बिना देखे अगर किसी म्यूचुअल फंड का पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सोचते हैं कि इसकी रिटर्न की लाइन ऊपर जा रही है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
तो दोस्तों अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेट फंड अभी भी सेफ माने जाते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी, लेकिन करंट सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि जिस डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके इन्वेस्टमेंट का जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उनका ड्यूरेशन कितना लंबा है और उनमें जिनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है। और इस सिनेरियो में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को चूज कीजिए जिनकी रेटिंग ट्रिपल ए हो, जो टॉप रेटेड बॉन्ड्स हों, ताकि वहां पे आपके पैसे डूबने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको आज बताया था फ्रैंकलिन के इशू के बारे में, ताकि आपके तक सही से खबर पहुंच सके। और इससे आपको सीखने के लिए सबसे जरूरी आपको ये मिलता है कि आपको आंखें बंद करके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आपने किसी एक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उस डेट म्यूचुअल फंड ने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में से इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वहां से आपका रिस्क डिराइव होता है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स रिस्की हैं तो आप ज्यादा रिस्क पे बैठे हो, क्योंकि आपका पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आज से फैक्टशीट देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रो पे जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, और उनका थोड़ा सा एक बार क्रेडिट रेटिंग देख लें। अगर क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए है तो अभी भी डेट फंड उतने रिस्की नहीं है जितना लोगों में परसेप्शन बन गया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।